हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स एक्सप्लेन, जहां हम हाजिर होते हैं हर बार एक न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी आज की मूवी की तरफ। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी मूवीज देखी और सुनी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आपको बहुत ही इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों, गेम की दुनिया और असल की दुनिया में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन गेम की दुनिया कभी कभी बहुत हसीन और इंटरटेनिंग लगती है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी आज की इस मूवी की तरफ, जिसका नाम है फ्री गाय। तो फ्री गाय मूवी का स्टार्ट बहुत ही परफेक्ट सीन से होता है। फ्री सिटी, जहां हर तरफ मारधाड़ चल रही होती है और ग्लासेस पहना एक हीरो अपनी लग्जरी कार, वेपन्स और लड़की के साथ लड़ाई कर रहा होता है। ऐसे में फ्री गाय नामी बंदा अपने बेड से उठता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नज़र आता है। हर रोज़ अपने पसंद की एक ही जैसी ब्लू शर्ट पहनकर सबसे बेस्ट कॉफ़ी पीता है और बाहर निकल जाता है। फ्री एक बैंक में जॉब करता है और वहाँ जाते हुए रास्ते में उसे $200 का एक शूज़ नज़र आता है, लेकिन उस वक्त उसके अकाउंट में सिर्फ $187 होते हैं। वो उनको देखकर अपने दोस्त बडी के साथ बैंक के लिए निकल जाता है। बडी बैंक में गार्ड होता है। यहाँ मूवी में दिखाया जाता है कि जिस बैंक में ये दोनों काम करते हैं, वहाँ हर रोज़ चोर लूटने आते हैं। हर रोज़ की तरह इस दिन भी चोर आते हैं और बडी और गाय ज़मीन पर लेटकर बातें करते हैं, और यही सब कुछ हर रोज़ रिपीट होता है, लेकिन हर रोज़ चोर अलग होते हैं। फिर मूवी में ग्लासेस पहनी एक हीरोइन दिखाई जाती है, जो कि किसी नकाबपोश आदमी से वीडियो क्लिप लेकर जा रही होती है। तभी वो आदमी पूछता है कि तुम्हें ये क्लिप क्यों चाहिए, जिस पर वो बताती है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है और उसको गन दिखाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर चोरी होती है। फ्री और बडी दोनों वापस जा रहे होते हैं कि फ्री को वो ग्लासेस वाली लड़की मिली नज़र आती है। कुछ ही पल में उसको उससे प्यार हो जाता है। वो उसके पीछे जाने लगता है कि बडी उसको बताता है कि ग्लासेस पहनने वाले लोग हीरो होते हैं और वो हमारे टाइप के नहीं होते। वो उसकी नहीं सुनता और उसके पीछे चला जाता है। तो यहाँ एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरता हुआ दिखाई देता है। मिली पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सब गायब हो जाता है और उसे कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ गेम ओवर हो जाती है। तो असल में ये एक गेम थी जिसको एक लड़की मिली डिज़ाइन करती है और वही उसको प्ले भी करती थी। उसने अपने गेम कैरेक्टर का नाम भी मिली ही रखा होता है। इस तरह फिर से एक न्यू दिन स्टार्ट होता है और फिर से फ्री गाय अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार अजीब चीज़ देखने को मिलती है। वो कैफ़े में कॉफ़ी की बजाय इस बार कैपेचिनो मांगता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसको अजीब तरह से देखते हैं। फ्री हंसकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। हर रोज़ की तरह फिर से चोरी होती है। फ्री को बैंक से बाहर वही लड़की नज़र आती है और वो चोरों से बचकर उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन बड़ी उसको रोकता है कि वो ग्लासेस पहनी है और तुम नहीं। उसकी नज़र चोर पर पड़ती है जिसने ग्लासेस पहने होते हैं। वो उनसे छोटी सी लड़ाई के बाद ग्लासेस लेने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे हर चीज़ रंगीली और डिफरेंट लगती है। सबसे पहले वो एक हेल्थ किट लेता है क्योंकि उसको चोट लगी होती है। फिर कुछ कॉइन्स लेकर अपने बैंक अकाउंट में चेक करता है। इस बार शूज़ लेने के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं और वो एक न्यू शूज़ ले लेता है। अब अगला सीन देखने को मिलता है, जहां पर गेम के डिज़ाइनर्स की और म्यूज़र ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि फ्री गाय तो खुद ही काम कर रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि वो गेम प्ले करके फ्री गाय को रोकेंगे। की एक पुलिसमैन का कैरेक्टर चुनता है और म्यूज़र एक रैबिट का, और गेम प्ले करते हैं। वो फ्री गाय को रोक कर कहता है कि तुम ग्लासेस उतारो, जिस पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो भाग जाता है और भागते भागते उसके शूज़ उसको जंप करवा कर एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाते हैं। उसको नहीं पता था कि उसके शूज़ में कुछ स्पेशल बटन्स भी हैं और अचानक बैटरी लो हो जाती है। पुलिस और रैबिट उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भाग कर एक हैंगर पर छलांग मारने की कोशिश करता है। वो छलांग ना लगाने की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन एक शील्ड उसको बचा लेती है और वो बहुत खुश होता है। गेम यहीं ओवर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिली अपने कैरेक्टर तो प्ले कर रही होती है, जहां वो एक सीक्रेट हाउस में होती है, जहां फ्री उसको याद करवाता है कि हम पहले मिले हैं, और वो लोग अपने वेपन से गोलियां चलाती है और पोर्टल से बाहर चली जाती है। फ्री उसको फॉलो करता है। वो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ फ्री उसकी कार्स वेपन वगैरह देख कर बहुत इम्प्रेस होता है। मिली उसे बताती है कि मेरा लेवल इंक्रीज है। फ्री भी सोचता है कि वो अपना लेवल इंक्रीज करे, और वह लड़ते हुए लोगों की लड़ाई बंद करवाता है और कुछ ही टाइम में उसका लेवल बहुत अप हो जाता है। वो बहुत फेमस हो जाता है। फ्री अपने दोस्त बडी को भी ग्लासेस की ऑफर करता है, लेकिन बडी नहीं लेता। अब मूवी में दिखाया जाता है कि मिली और की एक और मिशन डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें मिली को एक DVD छुपानी होती है, और लेकिन बहुत से लोग उस पर हमला करते हैं।
इससे पहले कि की कुछ और डिज़ाइन करे, एकदम फ्री आकर मिली को बचा लेता है और एक बाइक पर बिठा देता है। मिली पीछे सबको गोलियां मारती है और ये दोनों बिल्डिंग से बाहर हो जाते हैं और यूँ मिली का मिशन कंप्लीट हो जाता है। सब इतने हार्ड मिशन को कंप्लीट होने पर बहुत हैरान होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुनामी का मालिक एंटर होता है और म्यूज़र उसे बताता है कि ब्लू शर्ट गाय को जल्दी डिलीट करना होगा, लेकिन मालिक उसको मना करता है कि उसे बहुत प्रॉफिट मिलेगा और इसका पार्ट टू बनाने का भी कहता है। यूँ मूवी में मिली फ्री के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस होती है और वो दोनों वॉक करते और बातें करते नज़र आते हैं और एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम भी खाते हैं। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। मिली की को बताती है कि मैंने गेम कैरेक्टर को किस किया है, जिस पर की हंसता है और चला जाता है। अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यू के प्लेयर नहीं बल्कि एल्गोरिथम है जो कि खुद दिमाग से काम करता है, जो कि इनकी कामयाबी है। मिली फ्री से मिलती है और उसको बताती है कि हम दोनों सेम नहीं हैं, ये सब प्रोग्राम है और सब कुछ गेम है, जिस पर फ्री बहुत उदास होता है और अपने दोस्त बड़ी के पास चला जाता है और उसको बताता है कि सब कुछ फेक है, जिस पर बड़ी कहता है कि हम दोनों की दोस्ती और मुलाकात तो रियल है, फिक्र मत करो। फिर वो फ्री के घर जाता है और फ्री उसको वो सीडी दिखाता है जो उसने मिली के साथ छुपाई थी। इतने में एक और गेम का प्लेयर आता है सीडी लेने, लेकिन वो गाय का फैन होता है इसलिए वो वहाँ बहुत अजीब हरकतें करता है, बल्कि डांस भी करने लगता है। ये सब देखकर फ्री और बड़ी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन पूरी दुनिया फ्री की फ़ैन होती है और मालिक कहता है कि ये कोई हैकर है, जिस पर की उसको बताता है कि ये कोई हैकर नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मालिक उसको गेम रीबूट करने का कहता है, लेकिन ये गेम की के लिए एक कामयाबी होती है और वो रीबूट नहीं करता, लेकिन म्यूज़र रीबूट कर देता है। फ्री के पास सब लोग जाता है और सब एक झटके में ख़त्म हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और अब गेम ओवर हो जाती है। अगले दिन मालिक ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि सब लोग रोड्स पर नहीं बल्कि कैफे में पार्टी कर रहे होते हैं और सब बदल जाता है। वे म्यूज़र को ऑर्डर करता है कि मिली को मार दो। म्यूज़र जैसे ही उसके ऊपर बिल्डिंग गिराता है, फ्री उसे बचाकर गाड़ी में ले जाता है। म्यूज़र को समझ नहीं आता ये सब कौन कर रहा है। अब मालिक एक और प्लान बनाता है जिसमें वो फ्री का एक एंटी प्रोग्राम बनवाता है ताकि फ्री को मार सके, और यह डिस्कस करने के लिए की को बुलाता है। की नौकरी छोड़ने के मूड में होता है। मालिक को मिडिल फिंगर दिखाकर उसी फिंगर से ब्रिज एक्टिवेट कर देता है। अब डूड उसका एंटी प्रोग्राम उस पर हमला करता है। जब तक फ्री को ग्लासेस नहीं मिलते वो मार खाता है। फिर उसको अपने ग्लासेस मिल जाते हैं, जिनको पहनकर वो सुपर पावर की मदद से एक ट्यूबलाइट वाली तलवार से उसको खूब पिटाई करता है। जैसे ही वो पोर्टल पार करने की कोशिश करता है, डूड फिर उस पर हमला करता है। इस बार वो उसको ग्लासेस पहना देता है। डूड को सब कुछ रंगीन लगता है और वो खेलने लगता है। अब इस बार मालिक बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गेम का सर्वर ही तोड़ने लगता है। तोड़ते तोड़ते सब कुछ खत्म होने शुरू हो जाता है। मिली फ्री को हौसला देती है कि मेरी फिक्र ना करना, तुम जाओ भागो। वो भागता है और आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होने लगता है। बड़ी उसको कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, मेरी भी फिक्र ना करना। फ्री भागता है और मालिक के साथ सर्वर भी खत्म हो जाता है। आखिर में फ्री दूसरे सिटी में पहुंच ही जाता है जहां सब कुछ सुकून में होता है, हर कोई अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। सुनामी के मालिक को जेल हो जाती है और अगले दिन तीनों डिजाइनर गेम डिजाइन करते हैं फ्री लाइफ, जहां कोई कार्स और वेपन्स नहीं के पौधे और जानवर होते हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि की को मिली से प्यार होता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। म्यूजर उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं बता पाता। फिर गेम खेलते खेलते मिली फ्री की आवाज़ को पहचान लेती है और उसे पता चल जाता है कि फ्री का कैरेक्टर की प्ले कर रहा था और वो उससे प्यार भी करता है। वो भाग कर जाती है और उसे गले लगाकर किस करती है। यूँ मूवी के एंड में डूड, फ्री और बड़ी बहुत खुश नजर आते हैं और ऐसे एक शानदार और एंटरटेनिंग मूवी का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मूवी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, और हमारे चैनल जिसका नाम लेट्स एक्सप्लेन है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।